पेट्रोल पंप बहुत ही फायदेमंद बिजनेस माना जाता है। अगर आप सही जगह पर पेट्रोल पंप खोलते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देश में कई लोग ऐसे हैं जो पेट्रोल पंप के मालिक बनना चाहते हैं, और अगर आप भी उन्हीं में शामिल हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। सरकार अब ग्रामीण इलाकों में भी पेट्रोल पंप खोलने का शानदार मौका दे रही है। आरओ डीलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 दिसंबर 2018 है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक पेट्रोल पंप के मालिक बन सकते हैं और कमा सकते हैं अच्छा खासा मुनाफा। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, भारत में लगातार ईंधन की मांग बढ़ रही है और इसे देखते हुए खास तौर से ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंपों की बहुत अधिक मांग की जा रही थी। सरकार ने नए आवेदन के लिए शर्तों में भी ढील दी है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए एक निश्चित फंड या जमीन की जरूरत को खत्म कर दिया गया है, यानी जिनके पास जमीन नहीं है वो भी पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें डीलरशिप मिलने के बाद जमीन खरीदनी होगी। आवेदकों को ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से चुना जाएगा। जितनी संख्या में नए पेट्रोल पंप के लिए आवेदन मांगे गए हैं वो संख्या इतनी बड़ी है कि इसे इस बात से समझा जा सकता है कि देश में इस समय करीब 62,500 पेट्रोल पंप है, जबकि जो नए आवेदन हैं उनकी संख्या इससे भी ज्यादा है। नए पेट्रोल पंप के चालू होने पर देश में पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते वहां डीलरशिप नहीं मांगी गई है और चुनाव होने के बाद वहां के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। चुनाव वाले राज्यों में करीब 10,000 पेट्रोल पंप खोले जाने हैं। दोस्तों, पेट्रोल पंप का मालिक बनने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ ही आपकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम आपको 10वीं की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको www.petrolpumpdealerchayan.in पर जाना होगा। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन होगी। इसमें आप ये देखिए, इन्होंने नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको ब्रोशर खोलना है तो आप यहाँ पर खोलिए, आपको फॉर्म कैसे भरना है उसका मैनुअल ओपन करना है तो आप यहाँ पर करिए, आप इंग्लिश में ओपन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, हिंदी में आप ओपन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक आवेदन का आपके पास खुल के आएगा। इसमें सारी कंडीशंस दी हुई है, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों, सरकार ने पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने के नियमों को और आसान कर दिया है। अगर आपके पास ज्यादा रुपया नहीं है और आपके नाम पर जमीन भी नहीं है तो भी आप पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस में पेट्रोल पंप आवेदनकर्ता के पास फंड की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जमीन के मालिकाना हक को लेकर नियमों में छूट दी गई है। अब तक शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप के लिए 25 लाख रुपए का बैंक डिपॉजिट और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए 12 लाख रुपए का डिपॉजिट देना जरूरी होता था। यहां तक कि न्यूनतम शिक्षा की शर्त भी अब घटा दी गई है। अब 10वीं पास भी पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले 12वीं पास ही पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते थे। हालांकि इस बार सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। नए पेट्रोल पंप शुरू होने के बाद देश में पेट्रोल पंप की संख्या करीब दोगुनी हो जाएगी। आइए अब जानते हैं किन राज्यों में खुलेंगे नए पेट्रोल पंप। दोस्तों, हरियाणा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में नए पेट्रोल पंप खुलेंगे, जहां पर पेट्रोल पंप लाइसेंस लिए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन खोल सकता है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप मालिक बनने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ ही आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं तक की शिक्षा आपने पूरी की हो। अगर यह योग्यता है तो आपको पेट्रोल पंप लाइसेंस मिल सकता है। आइए अब जानते हैं कि आवेदन आपने कैसे करना है। दोस्तों, HPCL के रिटेल आउटलेट डीलर बनने के लिए आपको www.petrolpumpdealerchayan.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। आवेदन शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट के साथ आप 24 दिसंबर 2018 तक रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम तारीख के कट ऑफ के तुरंत बाद समाप्त कर दी जाएगी। समय से आवेदन करने वालों को ही पेट्रोल पंप लाइसेंस मिल सकता है। दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलकर आएगी। अगर आप सबसे पहले इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर रजिस्टर क्लिक करिए और क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स आपके सामने आएगा। आप अपनी जो भी आपका लॉगिन आईडी होगी और पासवर्ड, वो आप डालकर यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट बनाने के लिए आपको ये सारी डिटेल्स देनी होगी। रजिस्टर नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाली एक विंडो खुलकर आएगी। यहाँ पर डैशबोर्ड होगा, अवेलेबल एडवर्टीजमेंट, अप्लाइड एडवर्टीजमेंट, प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड। अवेलेबल एडवर्टीजमेंट में ये एडवर्टीजमेंट आपके पास आएंगी, अप्लाइड एडवर्टाइजमेंट में वो आएगा जहां पर आप अप्लाई कर चुके होंगे, प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल डिटेल, चेंज पासवर्ड से आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। जब आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करने के लिए आपको डिटेल इसमें जाकर यहाँ पर अगर देखिए साइड में अप्लाई नाउ का बटन आ रहा होगा, आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा। फॉर्म इस तरीके का होगा, पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें डालेंगे, एजुकेशन क्राइटेरिया उसमें डालेंगे, ग्रुप टाइप डालेंगे और इस तरीके से आप ये फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरीके से अप्लाइड एडवर्टीजमेंट्स में आपके एडवर्टीजमेंट्स का लिंक आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्रोसीड टू पे करेंगे। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपको जो पेमेंट एप्लीकेशन फीस है वो एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। जब आप फीस पे कर देंगे तो फीस पे करने के बाद आपके यहाँ पर जब एप्लीकेशन आ जाएगी यहाँ पर आपको डाउनलोड पीडीएफ करना होगा। डाउनलोड पीडीएफ करने के बाद इस तरीके की आपकी जो एप्लीकेशन है जो सबमिट हो चुकी है वो सामने आ जाएगी और उसको आपको सेव करके रखना है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन केस अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो आप पेट्रोल पंप डीलर चयन डॉट इन वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं और इसी पोर्टल से आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।